और अब बात करेंगे पीएम मोदी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभी लंबी पारी के लिए तैयार हैं। उनका उद्देश्य सभी योजनाओं को 100% पूरा करना है। और इस ऐलान के बीच उदयपुर में आज से कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर शुरू हुआ। राहुल गांधी कांग्रेस को पटरी पर लाने के लिए खुद रेल से उदयपुर पहुंचे, जिनकी उदयपुर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अगवानी की। इस बीच आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी गुजरात में एक चिंतन शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कांग्रेस का चिंतन शिविर, इधर गुजरात में भी बीजेपी का चिंतन शिविर देखने को मिल रहा है। और दोनों ही पार्टियां अलग अलग राज्यों में चिंतन करती नजर आ रही है, मंथन करती नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करती नजर आ रही है। अब ऐसे में मोदी की तैयारी और ऐसे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो लंबी पारी के लिए भी तैयार हैं। और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है इस बयान को लेकर वो भी आपको सुनाएंगे। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, दो दो बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि दो बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है, और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास।